आपका स्वागत है। सेवेंथ पे कमीशन सरकार के फैसले से कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी। भारतीय रेलवे द्वारा बयान जारी किया गया कि 8 श्रेणियों में पदोन्नति के बाद इन नॉन गजेटेड चिकित्सा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि 5,000 रुपए प्रति माह होगी, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के नॉन गजेटेड मेडिकल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने इन कर्मचारियों के प्रमोशन की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोशन के बाद कर्मचारियों को अच्छी खासी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बताएं कि इस पदोन्नति से मासिक HRA, DA और TA में बढ़ोतरी होगी। नॉन गजेटेड मेडिकल भारतीय रेलवे कर्मचारियों की 8 श्रेणियों में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन और परिवार कल्याण संगठन शामिल है। खबरों के मुताबिक कर्मचारियों के पद के हिसाब से सैलरी 5,000 से 21,000 तक बढ़ जाएगी। आधिकारिक सदस्यों के मुताबिक पदों के हिसाब से ही प्रमोशन का नियम है। एक्सक्लूसिव समाचार में आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।